ये बड़े वो है जिनको स्विमिंग आती है, तैरना आता है, उधर है बिगनर। हेलो फ्रेंड्स, तो स्विमिंग नाइट व्यू दिखाने वाला हूँ। 8:20 हो चुके हैं, ठीक है। नाइट व्यू दिखाता हूँ, स्विमिंग पूल करो। ये है नाइट व्यू स्विमिंग पूल का। अब सीन क्या होता है कि ऐसे वेले ना तो क्लोरीन का असर है, ना ही कोई इतनी भीड़ है, तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है ये स्विमिंग का। चेकआउट करो, ठीक है। देखो पूरा मस्त टाइमिंग है ये स्विमिंग करने का, ठीक है। तो इसमें टाइनिंग बिल्कुल नहीं होती, कहते हैं स्विमिंग में टाइनिंग होती है, तो इस वाले टाइम पे टाइनिंग बिल्कुल नहीं होती। रीज़न क्या रहता है कि धूप नहीं होती। अगर आप इस टाइम पे स्विमिंग करते हो तो आपको टाइनिंग नहीं होगी, ठीक है। और ये देखो कितना मस्त नहीं आ रहा है। ये बड़े वो है जिनको स्विमिंग आती है, तैरना आता है, उधर है बिगनर, ठीक है। और जिनको स्विमिंग आ जाती है नॉन स्टॉप, वो ऐसे स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है कि स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है कि नहीं। अभी ये जो टाइमिंग रहेगी इनकी जो स्विमिंग की टाइमिंग रहेगी, ये रहेगी इनकी 9 बजे तक, ठीक है। 8 से 9 का बैच है जो कि यहाँ का लास्ट का बैच है। पर अगर आप मेरे से काफ़ी जन कमेंट करते हैं स्विमिंग कौन से टाइम में बेस्ट रहती है, अगर आप टैनिंग नहीं चाहते और आप चाहते हो पूरा रिलैक्स करना और आप सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से स्विमिंग सीखना चाहते हैं, एज एन कॉम्पिटिशन नहीं है, नॉर्मल हल्की फुल्की स्विमिंग आनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट टाइम है 8 से 9। कोई अपना पूरे वर्क का आप काम करो, पूरे थके होंगे, थक के आके जब आप स्विमिंग करोगे, जैसे आप पूल में घुसोगे आपकी अद्धी थकान खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जब आप स्विमिंग करोगे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, पूरा जोर लग जाएगा, घर जाकर आप हल्का सा खाना खा के, अगर वेट लूज़ करना है तो लाइट खाना लेना, ठीक है। लाइट खाना लेके आप मस्त चिल करो, मस्त चिल, और आपको नींद आएगी मस्त, ठीक है। और टैनिंग बिल्कुल नहीं होती, बल्कि इस टाइम पे टैनिंग बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ये चेकआउट कर सकते हो आप। नॉन स्टॉप राउंड मारो, सबसे बेस्ट रहते हैं वेट लूज़ करने के लिए, ठीक है। और अगर आप 7 से 8 करते हो वो भी बेस्ट है, ठीक है। बल्कि जब सूर्य डूब जाता है उसके बाद स्विमिंग करते हैं तो टैनिंग नहीं होती, बहुत कम टैनिंग होती है, बहुत कम, ठीक है। तो काफ़ी बेस्ट टाइम रहता है, ठीक है, स्विमिंग का। ओवरऑल आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि अगर हम स्विमिंग करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, ठीक है, प्लस टैनिंग ना हो उसके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। बाकी बिगिनर में क्या है कि इस वेले भीड़ नहीं होती तो आप कंफर्टेबल स्विमिंग कर सकते हो, नहीं तो क्या भीड़ में ज़्यादा रश होता है तो आप थोड़ा डिस्टर्ब होते रहते, ठीक है। ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आज के इतना काफ़ी। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। चेकआउट करो, मस्त नहीं आ रहा है ना। ये देखो अंडर वाटर स्विमिंग हो रही है।